देखिए, राष्ट्रपति महोदया को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाना निश्चित रूप से दुखद है। इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बनती तो निश्चित रूप से एक अलग संदेश जाता। शिलान्यास के वक्त रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, तब उनको नहीं बुलाया जाता है। आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तब उनको नहीं बुलाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि आज भी उनको अछूता समझा जा रहा है, अछूत समझा जा रहा है, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देने का काम किया है, उसमें जो प्रदत्त शक्तियां हैं राष्ट्रपति महोदया को उसका पालन होना चाहिए। अनुच्छेद 79 के अनुसार सत्र आहूत करने का अधिकार, सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदया को है। तो निश्चित रूप से संसद भवन जहां सभी लोग बैठते हैं उसके उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया जाना भी बिल्कुल जरूरी था, और वो कहीं ना कहीं नहीं बुला करके केंद्र की सरकार ने उन्हें अपमानित करने का काम किया है, और उस अपमान के विरोध में हम लोग आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, बीजेपी का कहना है कि विपक्ष सियासी कर रही है, तो इस बात को समझें। नहीं, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि संसद भवन में उनको राष्ट्रपति महोदया को क्यों नहीं बुलाया गया। आप उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराइए, लेकिन आप मुख्य अतिथि तो उनको बुलाते, तो आपकी मंशा कहीं ना कहीं गलत लगती है। आप चार्टर्ड प्लेन से तमिलनाडु से लोगों को बुला रहे हैं, और वहीं दिल्ली में बैठी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इतने बड़े कार्यक्रम का गवाह नहीं बना रहे हैं, तो ये आपके दकियानूस मानसिकता का परिचायक है। ठीक है, देखिए, उद्घाटन हो गया है, लेकिन जो विषय है वो विषय आज महत्वपूर्ण है। देश किसी एक व्यक्ति के सनक और अहंकार के जरिए नहीं चलता है, देश चलता है स्थापित मान्यता परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए और संविधान के द्वारा। इस बात को लेकर के कांग्रेस आज धरना कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। दिल्ली में संसद भवन का उद्घाटन होने को लेकर के लोगों के द्वारा विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया है। बात ये थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया है, इसको लेकर के जगह जगह लगातार विरोध प्रदर्शन जो है जारी है, और विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हालांकि राजेश ठाकुर का कहना है कि उन्हें एक मुख्य अतिथि के तौर पर भी बुलाना चाहिए था, पर उनको आमंत्रित नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं वो लोग जात पात भेदभाव को भी यहाँ दर्शाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।